हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे रमजान की शान और रोजदारों की जान, मटन खीमे की ऐश। इसके लिए मैंने यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर ली है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐश बनाने के लिए पहले हम चावल को रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 50 ग्राम चावल लिया है। इसको हमें ओवर रोस्ट नहीं करना है। इसे हमें ज्यादा ओवर रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, चावलों का ट्रांसपेरेंट कलर जा चुका है और सारे दाने व्हाइट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। जितना हमने चावल लिया था उसका हाफ हम मूंग की दाल लेंगे। इसे भी हम इसी तरह से हल्के से रोस्ट कर लेंगे। मूंग को भी हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा हेल्दी बनाने के लिए अब हम इसमें थोड़े से काजू और बादाम ऐड करेंगे। इससे इसका टेक्सचर भी एकदम रिच बनता है और ज्यादा ताकतवर भी है हमारे लिए काजू और बादाम। इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इन सारे चीजों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसे हम ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस मिक्सी स्टार्ट करना है और ऑफ करना है। दरदरा सा इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से दरदरा इसका एक पाउडर बना लिया है। नट्स का भी हमने इस तरह से दरदरा सा एक पाउडर बना लिया है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्च ली है, उसमें हम पुदीना ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे। उस पर थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। आज हम ऐश प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और ऐश बहुत क्रीमी टेक्सचर का भी बनेगा। मैंने यहाँ पर एक कटोरी ऑयल ऐड किया है। अब हम इसमें 1 मीडियम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को अच्छे से ट्रांसपेरेंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज ट्रांसपेरेंट हो रही है। अब हम इसमें मटन का खीमा ऐड करेंगे। क्या है इसे हम चिकन में बना सकते हैं, वेजिटेबल्स में बना सकते हैं। ऐश हर तरीके से भी बनाई जाती है, लेकिन आज मैं यहाँ पर मटन खीमे में बना रही हूँ। ये एक बहुत हेल्दी रेसिपी है। अगर आप रोज इफ्तारी में अगर इसका एक कटोरी ऐश पियेंगे तो आपको बहुत ही ताकत मिलेगी। आप इसका एक रूटीन बना लीजिए। ये देखिए, खीमा सारा खुल चुका है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आज हम यहाँ पर हरी मिर्ची मटन की ऐश बना रहे हैं, इसमें लाल मिर्ची ऐड नहीं करेंगे। ज़्यादातर हरी मिर्च की ही ऐश बनाई जाती है। अब हम इसमें जो हरी मिर्च, कोथिंबीर, पुदीने का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। खीमा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसकी कच्ची स्मेल जाने तक इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, खीमे को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज टमाटर को इस तरह से स्लाइस कर लिया है। इस पर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे लिड लगाकर 2 सीटी ले लेंगे। हमने लिड खोल कर चेक कर लिया है, कीमा हमारा गल चुका है। अब हम इसमें ऐश के लिए अदरक डालेंगे और एक बॉईल ले लेंगे। यहाँ पर मैं लगभग 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ढककर एक बॉईल ले लेंगे।
ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें सारा रवा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हिलाएंगे और इस पर थोड़ी सी काली मिर्ची और गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे लिड लगाकर सिर्फ 2 सीटी ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लिड खोलकर हमने चेक कर लिया है, ऐश हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी पतली चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी गर्म कर इसमें ऐड कर लीजिए। मेरे लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और 1 नींबू का जूस एंड में इस तरह से ऐड कर लेंगे। लीजिए, एकदम लजीज जबरदस्त मटन ऐश बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, एकदम जबरदस्त लजीज मटन ऐश बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स दीजिए।